अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर जो टिप्पणी की गई उसे लेकर संसद में स्मृति ईरानी ने जमकर हमला बोला। हमला बोलने में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इतना आक्रोशित हो गई कि अब उनके आक्रामक रवैये पर ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब उनका आक्रामक रवैया ही सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से गुजरात के कैबिनेट मंत्री अर्जुन सिंह चौहान पर लगे आरोपों के बीच बीजेपी घिरी है। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर पलटवार करती हुई स्मृति ईरानी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा घिरी गई हैं। आपको बता दें, महुआ मोइत्रा ने स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। स्मृति पर कटाक्ष करते हुए कहा, ड्रामा बहु ब्रिगेड ने चुप्पी साध रखी है। महुआ ने स्मृति ईरानी को ड्रामा बहु ब्रिगेड, उनके ऐतिहासिक सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहु थी में उनके किरदार को लेकर कहा। टीएमसी सांसद कहती हैं, गुजरात में भाजपा मंत्री अर्जुन सिंह ने दुष्कर्म किया है और उसे 5 साल तक जेल में कैद रखा। मैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उम्मीद कर रही हूं कि वो लोकसभा में प्रवेश करेंगे तो माइक विपक्ष को देंगे ताकि हम मोदी से कह सके, माफ़ी मांगो, कानून से पहले समानता है सर। आपको बता दें, स्मृति ईरानी जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी से माफ़ी मांगने की जिद करती रही, सोनिया गांधी को लपेटे में लेती रही, अब पूरा विपक्ष स्मृति ईरानी के इस रवैये पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही पूरा विपक्ष ये भी कह रहा है कि स्मृति ईरानी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है और उनके खिलाफ भी बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।